नहीं लग रही थी। मतलब हमारी एनिवर्सरी वाले दिन बिल्कुल धूप नहीं थी, और इन तीन दिनों में जहाँ जहाँ हमने अपनी सफारी दौड़ाई है, जहाँ जहाँ लेके गए हैं, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही है, या इसको उल्टी तरह से कहते हैं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है गाड़ी। हम लोग पहले मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, प्राचीन श्री राम मंदिर, और हम लोग यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। और अभी हम लोग हैं शिव मंदिर में। ये देखिए हम लोग आ गए हैं कसौल कैंप्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइज। सो गाइज, आज हम लोगों को निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हुआ है, बट फिर भी हम लोग टाइम पे हैं, 10 बज रहे हैं। और आज के जो हमने डेस्टिनेशन चूज किया है वो मनाली से करीबन 1.5-2 घंटे दूर है, तो हम लोग उधर के लिए निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मौसम काफ़ी खुला हुआ है, धूप निकली हुई है जैसा आप लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छी धूप आई हुई है, कल बिल्कुल धूप ही नहीं आई, कल तो पूरे दिन मुझे ठंड ही लग रही थी। मतलब हमारी एनिवर्सरी वाले दिन बिल्कुल धूप नहीं थी, आज तो काफी अच्छी धूप निकल आई है सुबह से एकदम। और हम लोग को यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं मनाली में, और इन 3 दिनों में जहाँ जहाँ हमने अपनी सफारी दौड़ाई है, जहाँ जहाँ लेके गए हैं, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही है, या इसको उल्टी तरह से कहते हैं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है गाड़ी। बस बार बार यही लग रहा है कि और ले चलो और ले चलो। बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में भी, और यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम, ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। बीवी को ठंड वैसे कम पसंद है, लेकिन मजा आ रहा है। ठंड नहीं अच्छी लगती, खूब सारे कपड़े पहनो फिर भी ठंडे ठंडे कहते रहो। अब देखो यार, ठंड का मजा लेना है तो कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। नहीं, आज का वेदर तो ठीक लग रहा है, आज लग रहा है कि बाहर निकलने पे जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तो गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसा ही लगता है। नहीं, कल तो काफी ठंड थी, कल तो धूप ही नहीं आई थी बिल्कुल, तो मैं तो कपड़े पहन के गई थी, उसके बाद भी इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने मार्केट से तुरंत खरीद के पोंचो डाल लिया था। कल तो थी ठंड, कल तो पूरे दिन ठंड लग रही थी। चलिए आप लोगों को भी थोड़े नज़ारे दिखाए जाते हैं। सी पतली वाली सड़कें शुरू हो गई जो पहाड़ी वाली अब फुल फीलिंग देंगी। दो गाड़ी अगर निकलती है तो ब्रेक मारना पड़ता है। बस रोड चौड़ी हो गई।
सो भाई लोग, हम लोग अब पहुंच गए हैं मणिकरण। यस, हम लोग पहले मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, फिर राम मंदिर देखेंगे और फिर कसौल में बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हम लोग अब गुरुद्वारे की पार्किंग में गाड़ी उतार रहे हैं। अच्छा, दो कट्स थे तो हमने दूसरे वाले कट्स उतारे। स्पेस आपके लिए थोड़ा सा एक काम करो, हल्का सा बैक करो, सीधा सीधा हल्का सा सीधा सीधा बैक करो, थोड़ा उधर, हाँ घुमा के थोड़ा टर, हाँ अब उठाओ। आ जाओ पीछे करो। यहाँ की सड़कें बड़ी पतली पतली हैं तो बहुत ही संभाल करके एक दूसरे को रास्ता देते हुए निकलना पड़ता है। निकल जाएगी भाई की थोड़ी, वो भी आएगा आगे, भाई आगे आएंगे तभी होगा। ये तो आप लोग थोड़ा सा आगे हो जाइए, ये थोड़ा सा इधर हो जाएंगे जी। बस जानो उस साइड देख लो, बस एक सेकंड। नहीं 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 निकलेगी, जो आप निकलेगी निकालो और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा दी है फर्स्ट वाले फ्लोर पे ही, जैसे एंट्री करते हैं यहीं पे स्पेस मिल गई थी और हम लोग अब चलो निकल रहे हैं। तो ये है यहाँ मणिकरण का हॉट वाटर स्प्रिंग, एकदम गर्म पानी है, हाथ लगा के देखा वो जबरदस्त, ऐसा लग रहा है कि बस नहा ही लो। आप देख रहे होंगे, देखिए कैसे भाप निकल रही है इसमें से, ये बहुत सारे लोग नहा रहे हैं मस्त। तो बाहर जेंट्स के नहाने का है, अंदर लेडीज के नहाने का। अपना गुरुद्वारा, अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। आप देखिए वहां से धुआं निकल रहा है, वो धुआं नहीं वो भाप है गर्म पानी का, और ये रही नदी। आप भी गुरुद्वारे का दर्शन कर लीजिए। तो ये हम लोग गर्म गुफा में आ गए हैं, हॉट केव बोलते हैं, और जमीन भी इसकी बहुत गर्म है। खुशु गर्म है, जल रहा है। इस छोटे से द्वार से हम लोग आए हैं और यहाँ देखो लोगों ने क्या क्या कर दिया, लेकिन ये भी सब गर्म है छूने पे। तो हम इस वाले द्वार से फिर से और अंदर आए हैं और यहाँ बाबा जी हैं। अंदर अंदर तीन दरवाजे हैं और हम अब चौथे दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे ऐसे। काफी गर्म है इसीलिए देखें यहाँ पर मैट भी बिछा रखा है। हम लोगों ने अब दर्शन कर लिए हैं और हम लोग बाहर आ गए, लंगर भी खा लिया है
और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब ये देखिए बगल में गरम गरम भाप निकल रही है, यहाँ नदी बह रही है मस्त एकदम। और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, वो सामने अपना हॉट वाटर स्प्रिंग था जो मैंने आपको दिखाया, वो वाला प्राचीन श्री राम मंदिर। और हम लोग यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। ये है मणिकर्ण मंदिर और हमारे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर अपना राम मंदिर और राम भगवान अंदर ही विराजमान है। ये है यहाँ का हॉट वाटर कुंड, सब आलू चावल सब पोटली में डाल करके उबाल रहे हैं। और ये अपना राम मंदिर के बगल में ही। और अभी हम लोग हैं शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में ये देखिए यहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग है, क्योंकि ये पूरा मणिकर्ण जो है हॉट स्प्रिंग पे ही बेस्ड है। शिव जी बैठे हैं, अरे हम लोग आ गए, यहाँ नंदी बैल बैठ खड़े हैं, सब लोग इनके कान में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, अपनी इच्छा मांग रहे हैं। बीवी भी लगी है लाइन में, अभी कुछ बोलेंगे। ये यहाँ का कुंड है शिव मंदिर का, लोग वहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हैं, इसमें पका रहे हैं। यहाँ विशाल का मूर्ति है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पानी गरम गरम है, लोग यहाँ पैर डाल डाल के आराम से अपने पैरों को आराम दे रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया, काफी गर्म पानी है, लोग नहा भी रहे हैं इसमें, पानी में पैर डाल के थकान जैसे सारी दूर हो जा रही है, क्योंकि पानी गर्म गर्म है, बहुत काफी देर तक हम उसमें पैर डाल के रह भी नहीं सकते क्योंकि पानी काफी हॉट है। लेकिन नहाने वाले लोग नहा भी रहे, देखिए वो जो बैठे हैं वो काफी देर तक उस पानी में बैठे हुए हैं, तो हाँ कुछ तो है इस पानी में, ये जो नेचुरल तरीके से गरम गरम पानी आ रहा है वाकई में काफी अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज देखने को आज मिल रही है। ये देखिए सारे भाप निकल रहे हैं गरम गरम। ये देखिए बीवी बैठ गई, अब कह रही बहुत गरम है, गरम है ही है, लेकिन देखिए कुछ लोग थोड़ी देर टाइम लगता है उसमें, जब पहले पैर थोड़ी देर रखो फिर धीरे धीरे उतरो पानी डालो, है ना, तब जा करके वो पूरा बनता है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं कसौल कैंप्स, यहीं पर थोड़ा कुछ खाया पिया जाएगा और तब वापस निकलेंगे। और अपना बीस्ट वो लगा हुआ है। कुछ तुम थक गए हो? अभी नहीं थके हैं, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है, हम लोग ने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना हम लोग खाएंगे नदी के किनारे, और आप लोगों को नदी का एक बढ़िया सा व्यू भी दिखाते हैं अभी।
और ये हमारी गर्मा गर्म चाउमीन आ गई है, अब मजा आएगा नदी के किनारे गरम चाउमीन। तो हम लोग अब कसौल कैंप से निकल रहे हैं, हमने खाना पीना कर लिया है और आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करेंगे और बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने सफारी से वापस मनाली, वहीं पहुंच के आज स्टे करेंगे और फिर कल होगी वापसी। टडा, कल वापसी होगी। खाना कैसा था यहाँ का कसौल कैंप का? बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो अरे हाँ, इन्होंने भी खाया, कुशु ने भी अपना सरेले खाया, हम लोगों ने भी खाना खाया, काफी अच्छा था, व्यू भी काफी अच्छा है। तो अभी मैं भी खाना खाया था, अभी सरेले खाया था, अब भी गाड़ी चला रहा था। वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर ट्राई करेंगे कि यहीं आकर रुके और यहाँ की चीजों का लुत्फ उठाया जाए। तो बेसिकली यहाँ रुकने का, इस कैंप में रुकने का प्लान करेंगे और फिर यहाँ के और जो मजे हैं वो लिए जाएंगे। टिल देन बाय 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 बाय।